हाई ऑल, दिस इज एक्चुअली एंड ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बी सी ए कर रहे हैं या बी सी ए कर चुके हैं एंड आर लुकिंग फॉर अ जॉब. सो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे ये चीज़ पूछी थी कि मैम बी सी ए के बाद हम जॉब कैसे सर्च करें. देखो, बेस्ट ऑप्शन तो होती है अगर आपकी कैंपस प्लेसमेंट हो जाती है, बिकॉज कैंपस प्लेसमेंट इज़ द ईजिएस्ट वे टू गेट अ जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन. ठीक है, ग्रेजुएट कोर्सेज में भी पहली इंपॉर्टेंस आईटी कंपनी वाले बीटेक स्टूडेंट्स को देते हैं एंड उसके बाद बीसीए स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिलती है. ठीक है, एंड अगर आपकी कैंपस प्लेसमेंट हो गई है, इट्स वेल एंड गुड. अगर अभी आपके कॉलेज में कंपनीज आने वाली हैं, सो प्रिपेयर फॉर योर कैंपस प्लेसमेंट प्रॉपरली. सो फर्स्ट थिंग वी हैव इज प्रिपेयर फॉर योर कैंपस प्लेसमेंट्स. कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए क्या प्रिपेयर करोगे आप, वो मैं आपको भी बताऊंगी. सो फर्स्ट थिंग इज प्रिपेयर फॉर योर कैंपस प्लेसमेंट. सेकेंड, अगर कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती है तो आप क्या करोगे, तो आपको ऑफ कैंपस जाना पड़ेगा एंड कंपनीज में अप्लाई करना पड़ेगा. उसके फिर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक बहुत सारे ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं जहाँ पर हम रजिस्टर कर सकते हैं, ग्रुप्स होते हैं. सो वील बी डिस्कसिंग दैट ऑल इन डिटेल इन दिस वीडियो. सो पहली चीज़ जो है वो है कैंपस प्लेसमेंट. कैंपस प्लेसमेंट के लिए अगर आपके कॉलेज में भी कंपनीज आने वाली हैं या नेक्स्ट ईयर आप बैठोगे कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए, तो मेक श्योर आपकी सी लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग हो, बिकॉज जो कंपनीज आपसे आके पहले एक रिटन टेस्ट लेती हैं जो कि बेसिकली एमसीक्यू पे बेस्ड होता है, उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो एप्टीट्यूड पे बेस्ड होते हैं, दूसरा प्रोग्रामिंग में से सी पे बेस्ड होते हैं. उसके अलावा कुछ बेसिक कंसेप्ट्स डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पूछे जा सकते हैं, बट द मेजर थिंग दैट दे आस्क अबाउट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड पॉइंटर्स इन सी. सो मेक श्योर कि आपकी सी बहुत अच्छी हो. आप अभी से रिवाइज करना शुरू कर सकते हो. देयर इज अ बुक कॉल्ड पॉइंटर्स इन सी बाय यशवंत कनेटकर एंड टेस्ट योर सी स्किल्स बाय यशवंत कनेटकर. ये दो बुक्स अगर आप अच्छे से कर लेते हो, आपके प्लेसमेंट के सी के क्वेश्चन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. ठीक है, सो यू कैन डू दैट. देन उसके बाद अपना एप्टीट्यूड प्रिपेयर करते रहो साइड बाय साइड. वो आपको आगे जाके एंट्रेंस एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में सोचते हो तो. अदरवाइज कैंपस प्लेसमेंट्स में हेल्प करेगा तो इट्स वेल एंड गुड, बिकॉज यू कैन गेट द जॉब राइट आफ्टर फिनिशिंग योर बीसीए. ठीक है, अब बाय चांस आपके कॉलेज में कंपनीज नहीं आई या आई लेकिन आप क्लियर नहीं कर पाए और आपकी जॉब कैंपस प्लेसमेंट से नहीं लगी, तो क्या करोगे? अगर आपकी जॉब कैंपस प्लेसमेंट से नहीं लगती है तो आपको ऑफ कैंपस जाना पड़ेगा. ऑफ कैंपस का मतलब होता है कि डिग्री तो मिल गई अब लेकिन जॉब नहीं है, तो आपको कंपनीज में खुद अप्लाई करना पड़ेगा एंड यू हैव टू सीक फॉर अ जॉब ओवर देयर. उसके मेथड्स क्या होते हैं? पहला, ये जो भी साइट्स हैं आपकी naukri.com एंड जितनी भी साइट्स होती हैं फॉर फाइंडिंग द जॉब, आप उन पे अपना अकाउंट बनाओ, रजिस्टर करो, अपनी डिटेल्स दो. ठीक है, जहाँ से जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इन साइट्स पे यूजुअली दे आस्क फॉर एक्सपीरियंस पीपल, और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसी भी साइट्स हैं जो आपको फ्रेशर्स को अलाउ करती हैं टू रजिस्टर एंड दे हेल्प देम टू गेट द जॉब. सो यू कैन जस्ट जॉइन दोज और उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो. हर दो दिन बाद अपने सीवी में कुछ ना कुछ अपडेट करते रहो, बिकॉज अपडेटेड सीवीज ही ऊपर आते हैं. सो जो लेटेस्ट सीवीज होते हैं दे आर शोन ऑन द टॉप लिस्ट, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड कीप अपडेटिंग योर सीवी आफ्टर एवरी ऑल्टरनेट डे. सो वो करो. उसके बाद आजकल फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जैसे कि जॉब रेफरल्स इन बैंगलोर, जॉब रेफरल्स इन दिल्ली. सो जॉइन सच ग्रुप्स, इंटरेक्ट करो वहाँ पर. वहाँ पे लोग बताते रहते हैं कि कब कौन सी जॉब कहाँ पे निकल रही है, किधर वैकेंसी है, तो अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हो. अपना रिज्यूमे अच्छा सा बनाओ एंड आई विल शो यू सम सैम्पल रिज्यूमेज मे बी सम टाइम लेटर, बट अभी आप अपना रिज्यूम अच्छे से बनाओ. ऑनलाइन चेक करो कि रिज्यूम्स कैसे होने चाहिए. सो मेक अ गुड वन, इम्प्रेसिव वन. ठीक है, थर्ड थिंग, आपने पोर्टल्स पर रजिस्टर कर लिया, अच्छा रिज्यूम बना लिया. अब जो छोटी छोटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज है, सर्च ऑन गूगल. अगर आप दिल्ली में रहते हो, देर आर सो मेनी कंपनीज इन नोएडा एंड गुड़गांव जो आई टी से रिलेटेड है, बट दे आर स्मॉल स्केल कंपनीज. सेम वे बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, एवरीवेयर यू हैव सच कंपनीज. तो आप जहाँ पे भी रहते हो, सर्च फॉर दोज कंपनीज, गो देयर, रिसेप्शन पे जाओ, अपना सी वी देकर आओ. इवन इफ दे से देयर इज नो वैकेंसी, लीव योर सी वी ओवर देयर. एंड अगर किसी तरह एच आर में किसी से बात करने को मिल जाता है, सो इट्स गुड, गो एंड टॉक टू देम. सो दे कैन चेक आउट योर पर्सनैलिटी वंस दे मीट यू एंड दे कीप इन अ माइंड कि जब भी रिक्वायरमेंट होगी दे नो दैट दे हैव सम सी वी विद देम. सो दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू. एंड एक चीज़ मैं सजेस्ट करूंगी कि जब शुरू में आप जॉब के लिए जा रहे हो, डोंट लुक फॉर हाई पैकेजेस.
अगर आपका श्योर है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी है, आपको जॉब ही करनी है, तो आपको जो भी जॉब मिलती है डेवलपमेंट में, इवन इफ द सैलरी इज लेस, टेक दैट. क्योंकि शुरू में आप सैलरी मत सोचो, शुरू में आपको सोचना है एक्सपीरियंस. अगर आपको एक छोटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, स्टार्टअप है, वो आपको जॉब दे रही है, दे आर जस्ट ऑफरिंग यू 8 to 10,000 अ मंथ, इट्स ओके, इट्स ओके. एटलीस्ट यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू लर्न. आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, कहीं और जाओगे, सीखोगे कुछ, वहाँ पे भी तो पे करते हो. ये सोचो कि आप कुछ सीखने जा रहे हो और उस सीखने के भी आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है? तो जब आप एक किसी छोटी कंपनी में काम करते हो, आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है, बिकॉज उनके पास डेवलपर कम है. दे इन्वॉल्व यू इन एवरीथिंग. आपको पता चलता है कि सॉफ्टवेयर का बिजनेस कहाँ से लाना है, कैसे बनाना है, क्या करना है, एवरीथिंग यू लर्न विद देम. तो इवन इफ यू गेट अ जॉब इन अ स्मॉल कंपनी, गो फॉर इट. ओके, डोंट थिंक कि मेरे को बड़ी कंपनी में ही जॉब मिलेगी, मैं इन्फोसिस में ही जाऊंगा, मैं ये कोई ABC प्राइवेट लिमिटेड में नहीं जाऊंगा. डोंट थिंक दैट. सो अगर आपको कहीं पे भी जॉब मिलती है रिलेटेड टू डेवलपमेंट, डू इट. उससे आपको कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा. एटलीस्ट इट्स मच बेटर देन वर्किंग इन अ कॉल सेंटर. ओके, सो यू कैन गो फॉर दैट. बाकी अब ये तो जॉब का हो गया, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस. बट BCA के बाद आप एज अ फ्रीलांसर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर सकते हो. आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस अ लॉन्ग टाइम. सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए देयर आर मेनी साइट्स. आप वहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाओ, वहाँ पे बिडिंग होती है, सॉफ्टवेयर चूज करो आप कौन सा बना सकते हो, एंड देन अकॉर्डिंगली धीरे धीरे छोटे सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे. बनाते बनाते यू कैन गेट ग्रेजुअली बिगर सॉफ्टवेयर्स ओवर देयर. सो यू कैन ऑलवेज वर्क एज अ फ्रीलांसर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म. बट हर चीज़ के लिए योर लॉजिक्स शुड बी स्ट्रांग. सो डू प्रैक्टिस वेल, अपनी प्रोग्रामिंग अप टू डेट रखो, जो मार्केट में लेटेस्ट लैंग्वेजेस हैं वो करो. जैसे अभी आज की जो कंपनी है उनको क्या चाहिए, जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन, दे आर वेरी मच इन. सो अगर आपकी BCA पूरी हो चुकी है एंड यू आर स्टिल लुकिंग फॉर द जॉब, सो द बेस्ट थिंग्स यू कैन गो फॉर नाउ इज कीप लुकिंग फॉर द जॉब, और उसके साथ साथ आप पाइथन या जावास्क्रिप्ट पे अपना वर्क करो, सो दैट यू बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट. ओके, सो दैट इज वॉट आई वुड सजेस्ट, टू लुक फॉर अ जॉब आफ्टर BCA. एंड आई वुड से वन मोर थिंग, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, सो आई वुड से कि पहले पोस्ट ग्रेजुएशन करो ताकि आपको इससे कहीं अच्छी जॉब मिल सके. बाकी अगर आप जॉब कर भी रहे हो तो यू कैन डू MCA और एनी अदर पोस्ट ग्रेजुएशन, मे बी इफ यू वांट टू डू MBA करस्पॉन्डेंस एज वेल. सो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर स्टडीज अलॉन्ग विद योर जॉब और सम अदर सर्टिफिकेशंस. ओके, सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज यूजफुल टू यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब सर्च. जो लोग अभी BCA में हैं, आई विश देम लक कि आपकी कैंपस प्लेसमेंट ही हो जाए अच्छी कंपनी में, और जो BCA कर चुके हैं या जिनकी कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुई है, यू कैन गो फॉर ऑफ कैंपस. और उसके लिए मेथड्स मैंने आपको बताए, यू कैन रजिस्टर ऑन द जॉब साइट्स स्पेशली फॉर द फ्रेशर्स वन, देन यू कैन जॉइन द फेसबुक ग्रुप्स एंड यू कैन गो टू द स्मॉल कंपनीज फेस टू फेस एंड यू कैन ड्रॉप योर रिज्यूमे ओवर देयर. सो दैट्स इट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू.